बेगूसराय को लेनिनग्राद क्यों कहा जाता है? देखिए 26 दिसंबर 1925 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस, और उस समय से लेकर अभी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खास करके बिहार और बेगूसराय का जो इतिहास है, ये मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और जो फतेहाली थी, जो बदहाली थी और जो सामाजिक अन्याय था, जो सामाजिक उत्पीड़न था, उसके खिलाफ अनवरत समझौता विहीन संघर्ष लगातार हुआ, और उसमें केवल 2-3 उल्लेखनीय घटनाएं घटी। यहाँ कई स्टेट था, स्टेट माने अंग्रेज जब जाने लगे, अपना राजपाट जब उनका ख़त्म हुआ, तो कुछ उनके जो आगे पीछे रहते थे जमींदार लोगों को, उन्होंने अपनी कचहरी दे दी, कुछ मिल्कियत दे दी। सर्वे जो हुआ उस सर्वे में मालिकाना हक दे दिया बड़े बड़े जमींदार को, और हजारों एकड़ जमीन के वे कब्जेदार हो गए, और गरीब लोग बेजमीन, भूमिहीन, भवन विहीन, माने फाका कसी का जीवन व्यतीत करते थे। और इससे जो आक्रोश था, जो असंतोष था कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे पुरखों ने, जिसमें आज आप गए थे जननायक कौमी चंद्रशेखर सिंह, सूर्य नारायण सिंह, ये देवकी नंदन सिंह, रामचंद्र पासवान, कॉमरेड इंद्रदीप सिन्हा, इन लोगों ने, रामेश्वर सिंह, इन लोगों ने जो नेतृत्व किया, उसमें नावकोटी स्टेट का 3000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर लाल झंडा गाड़ा, ये बिहार की पहली घटना थी, पहला भूमि आंदोलन था ये 1970 और 71 के दरमियान, और उसमें भूमिहीनों, भवनहीनों, मजदूरों को बसाया, पुनर्वासित किया, बटाईदारी जो थे उनको मालिकाना हक दिया, और बास गीत का पर्चा, बसने का जो कानूनी हक वाला पर्चा था, केवल बास गीत का पर्चा नहीं दिलवाया, बल्कि उसका हक कानूनी तौर पर उसको दिलवाया गया। और नारे लगते थे खर बांस का पैसा दो और बास गीत का पर्चा दो। ये उस समय इंदिरा आवास की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन जब हमारे चतुरानंद मिश्र हो गए विधायक, जो भारत के कृषि मंत्री थे, अब उनका निधन हो गया, उन्होंने पहला मुकदमा किया हाईकोर्ट में, और विधानसभा में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी भूमिहीनों के लिए, और ये जो APL BPL कार्डधारी के लिए, और केंद्र में भी जो कृषि मंत्री थे तो किसानों के लिए, एक उत्पादकों के लिए, लाल कार्ड हरा कार्ड के लिए। कांग्रेस चतुरानंद मिश्र यद्यपि ट्रेड यूनियन के नेता थे, लेकिन जमीनी हकीकत का एहसास उन्हें था। इस तरह से जो आंदोलन हम लोगों ने सृजित किया जमीन से लेकर संसद तक, और इसके जो आंदोलन के दरमियान घटनाएं घटी कि हमारे करीब करीब 100 से ज़्यादा पार्टी सदस्य शहीद हुए, जिनकी जमींदारों ने, अपराधियों ने, माफियाओं ने हत्या कर दी, हमारे बहुमूल्य साथियों को हमसे छीन लिया। ये शहादत की भी बेमिसाल परंपरा कम्युनिस्टों की रही है, और आज भी वह जो खून है इस धरती पर, वह हमको प्रेरणा देने वाला खून है। यही क्रांतिकारी इतिहास है। और एक जमाना था जबकि विधानसभा के 6 क्षेत्रों में हम मिलजुल करके विधायक थे, और 2-2 सांसद दिया, बलिया से हम थे और बेगूसराय से कॉमरेड रविंद्र थे, कॉमरेड सूरज नारायण सिंह सांसद थे, रामेश्वर सिंह विधायक थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह विधायक, शकुंतला देवी विधायक, शिवदानी बाबू विधायक, देवकी नंदन सिंह विधायक, राजेंद्र राजन विधायक, और ये यहाँ से बखरी जो
निर्वाचन क्षेत्र था, रामविलोद पासवान विधायक, और अभी जो आप सुन रहे होंगे मंजू वर्मा उनके ससुर थे चुकते महतो, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे, और यहाँ वाले बछवारा वाले भी उत्तम महतो जी, वो भी विधायक थे, यानी सभी तबके में अयोध्या महतो, रामचंद्र पासवान, इन तमाम तबकों की भागीदारी थी और अपार जन समर्थन था। ये था यहाँ मजबूत और संगठन का ढांचा, गांव गांव शाखा अंचल कमेटियां हमारी बनी हुई, सांगठनिक ढांचा हमारा है, और जो ईमानदारी है, आज तक किसी सांसद किसी विधायक पर कोई दाग नहीं लगा, बेदाग कम्युनिस्ट पार्टी बिहार और बेगूसराय की धरती के जो भी निर्वाचित हुए वे बेदाग विधायक बेदाग सांसद रहे। लेकिन इधर जो जातीय संगठन और जो धार्मिक उन्माद की खेती होने लगी, जो गठबंधन जातियों का होने लगा, हमारी जमीन खिसकती चली गई, जनाधार का क्षरण हो गया, और उसका परिणाम भी हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अभी जो हमले हो रहे हैं, जो आर्थिक नीति अमेरिका की दादागिरी से बनाई गई कांग्रेस के द्वारा और अभी भाजपा तक, उसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो हमले कर रही है हमारी संस्कृति पर, सभ्यता पर, तमीज पर, तहजीब पर, और जो सत्ता में जो हिंसक वारदात की घटनाएं घट रही हैं, कम्युनिस्ट फिर से जग रहे हैं।